Shri Sachidananda Sadguru Sai Nath Maharaj Ki Jai. Jai Sai Ram. Namaste dosto, aaj aapko jo main dikhane ja raha hu, ye aisa kuch hai ki jab कोई मल्टी सेशन लेकर आप काम करेंगे, जैसे मान लीजिए कि दो तबले रहेगा, गिटार्स रहेंगे, बास गिटार रहेगा, कीबोर्ड्स रहेगा, सितार वगैरह रहेगा, तो इन सब जो ट्रैक्स जो है यहाँ पे देख रहे हैं, तब दो तबला ट्रैक है, ऑक्टापैड जो है, और बाकी सब एकॉस्टिक गिटार, सितार और कीबोर्ड्स भी हैं, बास गिटार भी है, तो इनको बैलेंस करते वक्त आपको शायद ये प्रॉब्लम होगा कि तबले के साथ ऑक्टापैड को किस तरह से बैलेंस किया जाए, क्योंकि इंडियन सॉन्ग्स खास करके जो थोड़ा सा पुराना टाइप का गाना का जो स्टाइल है उसमें अगर हम मिक्स करने जाएंगे तो हमको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है कि उसके साथ तबले के साथ हमारा जो ऑक्टापैड है या ड्राम्स है उसको कैसे बैलेंस करें। आप एक चीज़ और भी गौर कीजिएगा कि ये रिदम सेक्शन में आपका जो ऑक्टापैड बज रहा है या ढोलक तबला बज रहा है, इसके साथ साथ और दो चीज़ आते हैं, वो रिदम सेक्शन के अंदर ही आता है। एक है रिदम गिटार और है दूसरा एक है वो है बास गिटार। तो जो बास गिटार एंड रिदम गिटार, ये दोनों चीज़ लेकिन रिदम के साथ जाएगा। यहाँ पे जो रिदम ट्रैक देख रहे हैं, तबला नंबर वन एंड तबला नंबर टू, इन दोनों को हम पहले से ग्रुप करके रखे हैं, जो रॉ के तौर पर कोई इफेक्ट नहीं लगा है, रॉकी तरफ ये बज रहा है और इसका जो पैनिंग पोर्शन है वो भी नॉर्मल है। सुन के देखिए, मैं आप लोगों को ये बोल के रखना चाहता हूँ कि ये जो ट्रैक आप सुन रहे हो, ये हमारे इधर पे रिकॉर्ड हुआ है, ये कोई पुराना गाना का एक म्यूजिक ट्रैक है। यूट्यूब का जो कॉपीराइट एक्ट है इसके वजह से हम इसका पूरा जो ट्रैक आपको सामने मैं प्लेबैक नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं प्लेबैक कर रहा हूँ ताकि वो स्ट्राइक ना खा जाए। यहाँ से सुनते रहिए और आपको शायद पता लग जाएगा कि कौन सा गाना का ये म्यूज़िक ट्रैक बज रहा है। एक्चुअली सुनिए, तो आप लोगों को शायद पता हो गया होगा कौन सा गाना का म्यूज़िक ट्रैक है ये। तो इस गाने पे हम लोगों ने दो तबले रखे हैं, इसमें ढोलक नहीं था, तो तबला था नंबर वन ट्रैक है ये और दूसरा तबला ट्रैक है ये। तो ये दो तबला ट्रैक को हमने ग्रुप कर लिया पहले से और इसमें हम लोगों ने एक प्लगइन्स हमने इस पर यूज़ किया है, कुछ प्लगइन्स यूज़ किया है, तो वो प्लगइन्स मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये है मिक्स विंडो और इसमें तबला का ट्रैक है तबला टू एंड तबला वन। तो इसमें एक कंप्रेसर लगा रखा है, एज कंप्रेसर यूज़ किया है। इसका सेटिंग इस तरह का है, कुछ थ्रेशोल्ड लेवल हमने रखा है -16.6 dB तक और इसका रेशियो जो है वो है 2.25। इसका रेशियो लगा हुआ है और बाकी का जो है मिक्स लेवल हमने रखा है 70%। ये प्लगइन्स बाईपास किया हुआ है, इसको मैं ऑन करता हूँ तो आपको इसका इफेक्ट सुनाई देगा। इसको सोलो करता हूँ और सुनते रहिए। तो देख रहे हैं यहाँ पे इसका आउटपुट जो है लेवल ए दे रहा है, गेन रिडक्शन जहाँ पे तबले का जो चाटी दे रहा है, चाटी का हाई पीक लेवल होता है, ये हमने थोड़ा सा बैलेंस किया, इसके ज़्यादा ये हमने थोड़ा सा बैलेंस किया है क्योंकि इसका जो थ्रेशोल्ड लेवल है -16.6, तो इसको हमने यहाँ तक रखा है और इसके साथ साथ हमने Q10 को अप्लाई किया है। Q10 जो है ये Q10 एक इक्वलाइजर है, 10 बैंड इक्वलाइजर। इसमें क्या कर सकते हैं आप, 10 बैंड आप लागू कर सकते हैं, यहाँ पे 10 बैंड लागू है लेकिन सिर्फ थर्ड बैंड छोड़ के। इसका हर एक बैंड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कौन सा बैंड कहाँ पे है।
यहाँ पे हाई पास फिल्टर लगा हुआ है, यहाँ पे लो पास फिल्टर लगा हुआ है, और इसका जो सेकंड बैंड जो है उसको हमने थोड़ा सा बूस्ट किया है, और इसका बूस्ट करने के बाद इसका टोन इस तरह रहा। आप देख पा रहे हैं कि इसका जो कंप्रेशन लेवल जो है, इसका जो गेन रिडक्शन, यहाँ पे देखिए गेन रिडक्शन यहाँ पे ठीक ठाक गेन रिडक्शन दे रहा है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसका इनपुट लेवल और आउटपुट लेवल दोनों का लेकिन रेड लाइट नहीं जलना चाहिए। जैसे हमने एज कंप्रेशन में भी रेड लाइट हमको नहीं चाहिए था, रेड लाइट अगर जल जाएगा तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है, ओवर डी भी आ रहा है। तो ये दोनों को हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, और उसके साथ साथ और एक चीज़ हमने लिया है जो हमने पहले भी दिखाया था, शेफ 73। ये प्लगइन्स AQ है, इस प्लगइन्स को भी हमने यूज़ किया है, और इस तरह से यूज़ किया है कि इसका जो प्रीएम सेक्शन है इसको रखा है नॉर्मल सेटअप में रखा है। हाई फ्रीक्वेंसी जो है इसका हाई फ्रीक्वेंसी 7 dB, मिड फ्रीक्वेंसी जो है इसका जो क्यू लेवल 0.7 में, और इसका जो गेन बूस्ट किया है हमने 1.6 dB गेन बूस्ट किया है। लो फ्रीक्वेंसी जो है उसका फ्रीक्वेंसी क्यू रखा है 110 पे, और लो गेन बूस्ट किया है हमने 10 dB तक। हाई पास फिल्टर जो है उसको इस तरह से हमने रखा है जो कि 80 के आसपास है, हाई फ्रीक्वेंसी हमने 80 पे रखा है। और रखने के बाद हमको उसका इनपुट लेवल एंड आउटपुट लेवल दोनों को मेज़र करना है। आपको अगर लगता है कि रेड लाइट जल गया है तो ऑब्वियसली आपको इसका आउटपुट लेवल कम करना पड़ेगा। एक तो आप इनपुट लेवल चेक कर सकते हैं, यहाँ से बहुत ही कम। उसके बाद इसका आउटपुट देखिए, तो इस हिसाब से आपको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे -2.8 dB हमने रिड्यूस किया है, और इनपुट लेवल हमने -6 dB ऑलरेडी कर रखा है यहाँ पे। इसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं आप, ताकि आप आउट लेवल ठीक ठाक लगे आपको। देखिए तो -4.3 dB किया हमने, इसका जो मीटर जो बोल रहे हैं, आउटपुट का जो मीटर बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। जब आपको एक चैनल का टोन बनाना हो जाएगा तो उसको डायरेक्ट आप दूसरा जो तबला ट्रैक है उसमें कॉपी कर दीजिए। तो इंसर्ट में आपने जो प्लगइन्स दे रखा है उस प्लगइन्स को एज इट इज़ सेकेंड ट्रैक में कॉपी करने के लिए आपको ऑल्ट दबा के, जैसे कि हम ऑल्ट दबा के इसको कॉपी कर सकते हैं, ऑल्ट दबा के इस पर कॉपी किया, Q10 जो था यहाँ पे इसका जो सेटिंग था इसको ऑल्ट दबा के आप यहाँ पे खींच दीजिए। वैसे ही शेफ 73 जो प्लगइन है इसको भी आप यहाँ पे लेके आइए। तो दोनों में बराबर प्लगइन सिस्टम, देखिए इसमें भी जो है यहाँ पे भी वही है, शेफ 73 यहाँ पे जो सेटिंग है दूसरा ट्रैक में भी सेम सेटिंग है, मतलब कॉपी हो गया इंसर्ट में जो प्लगइन आपने लिया है। इसके बाद क्या करना है, दोनों को आप चलाइए, सोलो दोनों को सोलो कीजिए, दोनों को प्लेबैक कीजिए, सुनिए। तो अभी जो आपको करना है वो है इसका पैन पॉट। देखिए जब ढोलक या तबला दोनों एक साथ बजता है तो दोनों को सेंटर में मत रखिए, तो उसमें थोड़ा सा क्या होगा, स्टीरियो जो फील्ड होता है ना, स्टीरियो फील्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। आप अगर दोनों को थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे तो स्टीरियो फील्ड बहुत अच्छा बनेगा और वो सुनने को भी बहुत अच्छा लगेगा। जैसे मैं इसको करता हूँ +90 कर देता हूँ, 100 ऐसे तो आता है, तो 100 बिल्कुल मत कीजिए, थोड़ा सा कम कीजिए, जैसे 90 कर दीजिए इसको। तो हम 90 करते हैं इसको, 70, 80, 90, 91 ऐसा कुछ, 90 कर दिया। इसको भी लेफ्ट 90 कर दीजिए। आप अगर चाहते हो तो उसका 100 भी कर सकते हो, इसमें कोई मतलब अर्ज नहीं है, इतना कोई रूल्स नहीं है कि आप 100% नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो, लेकिन आपका टेस्ट के हिसाब से। एक नंबर तबला और दो नंबर तबला जो ट्रैक है अभी दोनों साइड में बजने लगेगा, सुन के देखिए एक बार। इसमें क्या है, थोड़ा सा स्टीरियो फील्ड आपको अच्छे सुनाई देगा, ठीक है, स्टीरियो फील्ड आपको अच्छे से सुनाई देगा। अभी इसके साथ साथ आपको क्या करना है,
ऑक्टोपैड जो है, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि एक स्टूडियो ट्रैक में, अगर स्टूडियो लेना है तो स्टूडियो ट्रैक में उसको रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि ये वाला ट्रैक देखिए, ये वाला ट्रैक देखिए, इसको स्टूडियो ट्रैक में रिकॉर्ड किया था, इसीलिए एक ही ट्रैक में दो पैन पॉड है। लेकिन जब भी आपको तबला ढोलक लेना है ना, तो आप कोशिश कीजिए कि मोनो ट्रैक में उसको लेने के लिए, ताकि बाद में एक एक के ऊपर आप अलग अलग से एडिट कर सकते हैं या उसका टोन बना सकते हैं। तो ढोलक के लिए अलग एक ट्रैक लीजिए और तबला के लिए अलग ट्रैक लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, ऑक्टोपैड में दो लाइन आउटपुट होते हैं स्टूडियो, तो उसमें से अगर आप लाइन लेंगे तो आप उसको अलग अलग मोनो ट्रैक में लीजिए। इस ट्रैक में क्या है, इस ट्रैक में पैड का लेफ्ट है, इस ट्रैक में पैड का राइट है। तो ये देखिए, पैड राइट सेक्शन और पैड लेफ्ट सेक्शन। तो इसको एक सुन लेते हैं। देखिए, इसमें सब परकसिव इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ है। C4 बेसिकली है क्या, एक मल्टीबैंड पैरामेट्रिक प्रोसेसर। इसमें आपको क्या सुविधा मिलेगा, देखिए, जो हाई बैंड, जो हाई फ्रीक्वेंसी है उसको आप मॉडरेट कर सकते हैं, जो हाई फ्रीक्वेंसी चल रहा है देखिए उसको हिसाब से उसको कंप्रेस कर रहा है, साथ में उसको टोन भी दे रहे हैं। ये आपको फ्रीक्वेंसी बैंड है, जैसे कि लो फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी, हाई मिड एंड हाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हाई फ्रीक्वेंसी को आपको सिर्फ सुनना है तो आप इसको सोलो कर लीजिए, ये वाला, तो आपको सिर्फ हाई सुनाई देगा। इसका गेन, उसके बाद इसका जो रेंज है, रेंज को आप एडजस्ट कर सकते हैं प्लस माइनस करके। अटैक रेट एंड, ये है कंप्रेसर का सेक्शन, अटैक रेट एंड रिलीज रेट, ये दोनों को आप एडजस्ट करेंगे। और ये है आपका थ्रेशोल्ड लेवल, देखिए इसका गेन लेवल यहाँ तक जा रहा है। इसको आप थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा वो खुल जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ आप इसको अलग से प्रैक्टिस करके देखिएगा, इंस्ट्रूमेंट का टोन जो है उसको चेंज करने के लिए बहुत अच्छा काम आता है, ये डायनेमिक्स देता है बहुत अच्छा। और जैसे कि ये भाई लो फ्रीक्वेंसी का अगर देखना है तो ये है आपका लो फ्रीक्वेंसी। सिर्फ कौन सा लो फ्रीक्वेंसी में आपको काम करना है आप देख लीजिए एक बार। देखिए यहाँ पे कोई लो फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, हाई फ्रीक्वेंसीज है। अब जब लो फ्रीक्वेंसी आएगा, सुना दे रहा आपको, इसका गेन आप बढ़ा भी सकते हैं 6.7 ऐसा कुछ। तो ये सब आप अलग अलग सोलो करके आप इसको देख सकते हैं। जैसे इसका लेफ्ट पोर्शन हो गया, उसके बाद देखिए CLA-3A बोल के एक डायनेमिक्स मतलब कंप्रेशन में लगाया है। एक तो C4 लिया है, उसके साथ साथ नीचे लिया है इंसर्ट में CLA-3A। इसके बारे में मैंने पहले आपको बताया था, आप देख लीजिए इसका गेन रिडक्शन लेवल क्या होता है और उसका आउट लेवल क्या है। देखिए आप देख रहे हैं इसका आउटपुट सेक्शन, आउटपुट लेवल क्या दे रहा है, उसका इनपुट लेवल भी चेक कर लीजिए, क्योंकि ये पार्कसिव इंस्ट्रूमेंट के तौर पे बजा हुआ है। यहाँ पे सिर्फ म्यूजिक पीस में जहाँ पे है वहाँ पे आपको ये किक यूज़ किया है। तो दोनों को एक साथ सुनते हुए बैलेंस करना पड़ेगा आपको, और ताकि ढोलक के साथ या तबला के साथ सुनने को अच्छा लगे। तो CLA ले लिया, उसके बाद EQ 7 बैंड EQ लिया, उसका भी EQ हमने ऐसा इस तरह से किया है, आप देख सकते हैं इसको। लेकिन मैं हर बार बोलता हूँ कि EQ का कोई प्रीसेट नहीं होता, आपको सुन के पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे हम कौन सा बैंड को एनहेंस कर रहे हैं, कौन सा बैंड को सप्रेस कर रहे हैं। तो ये तीनों को जब हम यूज़ करेंगे, उसके साथ साथ हम नीचे और भी एक EQ हम यूज़ करेंगे, वो है Chef 73, क्योंकि इसमें आपको पता लगेगा कि ये दो EQ किस चीज़ के लिए काम कर रहा है। एक इस ये वाला जो EQ हमने लिया है, यह प्रोड्यूस के साथ आता है, EQ हाई में 3.7 बैंड EQ है ये, इसको हमने यूज़ किया है यहाँ पे। बिल्कुल इसके नीचे हमने Chef 73 जो EQ है इसको भी यूज़ किया है, लेकिन अलग अलग बैंड को एनहेंस करने के लिए हमने दो EQ यहाँ पर लगाया है। आप जब एक साथ सब मिल के बजेगा, आप सुनिए उसका टोन अलग हो जाएगा, सुनिए। ठीक है, तो आपको सुनने को अभी इस तरह से लग रहा है। जब इसको मैं बाईपास कर दूंगा तो सुनिए कैसा था पहले वो।
मतलब मिड फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रहा है, किक में उतना लो का पंच नहीं आ रहा है, लेकिन जब मैं सबको एक साथ ऑन कर रहा हूँ सब प्लगइन्स को, उसमें आपको लेकिन सब कुछ बैलेंस्ड मिल रहा है। सुनिए, जब आपको लगेगा कि ये दोनों चीज़ तो एक ही है, मतलब दोनों ट्रैक तो एक ही है, अब इसी चीज़ को डायरेक्ट वहाँ पे कॉपी कर दीजिए, सेकंड जो ऑक्टोपैड का जो सेकंड चैनल है उसमें कॉपी कर दीजिए। तो उसमें क्या होगा, सेम चीज़ यहाँ पे भी बैठ जाएगा। अभी दोनों को एक साथ सुनिए, और सुनते वक्त आप इसका जो पैन पॉट जो है इसको 100% आप कर सकते हैं, क्योंकि ये है पार्कसिव इंस्ट्रूमेंट, इसको 100% एक्सट्रीम राइट एंड एक्सट्रीम लेफ्ट कर देंगे तो मज़ा कुछ और आएगा। देखिए, इस तरह से जब आप उसका ट्यूनिंग कर लेंगे, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको बैलेंस देखना है तबले के साथ, जो तबला ट्रैक्स थे उसके साथ ऑक्टोपैड का बैलेंस मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए, ठीक है, तो ये गया आपका तबला और ऑक्टोपैड ट्रैक। इसके साथ साथ क्या आता है, बास गिटार आता है। बास गिटार में भी आपको वही चीज़ करना पड़ेगा जो हाई कंप्रेशन में लगा है यहाँ पे, उसको हम इस तरह सेटिंग किया है। इसका भी हमने दिया है थ्रेशोल्ड लेवल -20 और इसका रेशियो था 2.14। इस रेशियो में हमने बास गिटार में सेटिंग किया है, और इसके साथ साथ SSL का जो EQ है, इसको चैनल स्ट्रिप बोलते हैं, SSL चैनल स्ट्रिप, इसका हमने लिया है। दोनों को ऑन करता हूँ एक साथ, आप देखिए इसका टोन अलग से आपको सुनाई देगा। और उसके साथ साथ इसको याद रखिएगा, ये जो बास गिटार है इसको हमेशा आपको सेंटर में रखना है, पैन पॉट इधर उधर हिलाना नहीं, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट में हमेशा बजेगा, ये रूल है। और इसको सोलो करते हैं, सुनिए। अभी ढोलक के साथ, अभी तबले के साथ ये बज रहा है, अभी तबले के साथ और ऑक्टोपैड के साथ, इसको सुनिए। दोनों को मेल्ट करने के बाद अच्छी तरह से इसको टोनिंग होना चाहिए, बस गिटार उसके साथ ऑक्टोपैड उसके साथ तबले। अभी आते हैं हम रिदम ट्रैक में, और एक चीज़ है जो है गिटार, रिदम गिटार। रिदम गिटार को भी हमने एज कंप्रेसर लगाया है यहाँ पे, इसका सेटिंग ऐसा कुछ था। देखिए, सेटिंग हमेशा डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि गिटार के लिए हमेशा आपको -25.1 या 25.4 ऐसा कुछ रेशियो रखना है, थ्रेशोल्ड लेवल रखना है या रेशियो रखना है जैसे -2.02। ये डिपेंड करता है जो प्लेयर बजा रहा है इंस्ट्रूमेंट को, उसका प्लेइंग के ऊपर, इंस्ट्रूमेंट का जो टोन है उस टोन के ऊपर, और आप जिसके टोन के साथ आप जिस ट्रैक के साथ उसको मेल्ट करने जा रहे हैं, उसको मिलावट करने जा रहे हैं, उसके साथ आपको सोचना पड़ेगा कि ये टोन कहाँ तक मैच हो रहा है। तो इसीलिए हमने कंप्रेसर के इस तरह से लगाया, कंप्रेसर लगा दिया, और उसके साथ SSL EQ जो है इसका भी एक लगा दिया। दोनों को लगाने के बाद आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको पता है हाई पास फिल्टर यहाँ पे है, लो फिल्टर, लो मिड फिल्टर, हाई मिड फिल्टर एंड हाई फिल्टर। जब आपको EQ करना आता होगा तब ऑटोमेटिकली आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं। लेकिन एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि ये EQ हम यहाँ पे क्यों यूज़ किया या दूसरा EQ क्यों नहीं यूज़ किया। एक्चुअली क्या है, अलग अलग EQs आप तभी यूज़ करेंगे जब आपको टोन अलग अलग चाहिए। तो इस EQ में हमको जो टोन मिलता है गिटार का, इसीलिए हमने इसमें इसको लगाया। ऐसा नहीं कि इसको ही लगाना पड़ेगा, आप चाहे दूसरा कोई EQ लगा सकते हो, लेकिन हमने लगाया कि इसका टोन इसमें जज कर रहा है, इसीलिए हमने इसको लगाया। आप दूसरा कुछ भी लगा सकते हो। आप देखो, अभी इसको सोलो करते हैं और उसको एक्सट्रीम लेफ्ट कर देंगे, क्योंकि एक ही गिटार है लेकिन दो माइक से लिया हुआ है, एक ही गिटार का प्लेइंग दो माइक से लिए हैं, इसीलिए स्टूडियो माइकिंग किए थे हम लोगों ने, तो दो माइक से लिया है। आप ये जो EQ जो कंप्रेसर लिया है, एज कंप्रेसर और SSL EQ, इन दोनों को सेटिंग करने के बाद
आप क्या करोगे, उसको दूसरा जो गिटार ट्रैक है उसमें भी डाल दोगे, तो ऑटोमेटिकली वो कॉपी हो जाएगा। आप दोनों को एक साथ प्ले करो बाकी सब ट्रैक के साथ, मतलब जो तबले का ट्रैक्स थे, ऑक्टोपैड का ट्रैक्स था, बासगिरा का ट्रैक था, और ये जो रिदम गिटार्स का जो ट्रैक है, तो सबके साथ मिलावट करने के बाद इसको सुनते हैं। आप लोग हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई म्यूज़िक ट्रैक बनता है या वोकल के लिए कुछ गाने के लिए, तो उसमें जो वोकल ट्रैक है वो हमेशा ऊपर रहेगा, उसके साथ साथ आपको जाना है रिदम ट्रैक और बाकी जो रिदम ट्रैक का जो एसेसरीज है, बोले तो रिदम ट्रैक जाएगा, उसके साथ बास गिटार जाएगा, उसके साथ रिदम गिटार जाएगा। तो लेवल ऐसा होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए 100% अगर वोकल ट्रैक है तो लगभग 85 to 90% आपको रिदम ट्रैक का लेवल होना चाहिए, नहीं तो ऐसा लगेगा कि रिदम बहुत पीछे बज रहा है और वोकल बहुत आगे जा रहा है। तो इस तरह से हमने इसको बैलेंस किया है, और वोकल ट्रैक अगर इसमें वोकल ट्रैक अगर होता, क्योंकि वोकल ट्रैक हमने यहाँ पर लगाया नहीं है, दूसरा कुछ कारण है, वोकल ट्रैक हम दे नहीं सकते और सुना भी नहीं सकते, लेकिन आपको जो ट्रैक सुना रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि इसमें तबला का ट्रैक कैसे आप बैलेंस करेंगे और क्या क्या आप प्लगइन्स ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि यही थंब रूल है, आपको यही लेना पड़ेगा, लेकिन उसका जो पैन पॉट जो है और उसका बाकी जो ट्रैक्स का जो पैन पॉट सेटिंग है, ये सब आपको देख के सुन के करना पड़ेगा। आपका दिमाग जो बोलेगा, आपका टेस्ट जो बोलेगा, उसी हिसाब से उसको बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करने के बाद जब हम सबको एक साथ सुनेंगे तो सुनने के बाद ऐसा लगता है। एक बार सुन के देखिए, मैं आपको पूरा एक चंक सुनाता हूँ। इसमें सब के सब जो प्लगइन्स जो लगाए हैं हमने, प्लगइन्स सब एक्टिवेटेड है, बाकी सब प्लगइन्स मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ। एक मिनट देख लीजिए, यहाँ पे ये ऑन कर रहा हूँ, इसको भी ऑन कर रहा हूँ, इसको ऑन कर रहा हूँ, और ये जो ट्रैक था एज कंप्रेसर, इसको भी हम ऑन करते हैं। ऑन हो गया, अच्छा ये भी ऑन करते हैं, ये भी ऑन कर दिया, इसको भी ऑन कर दिया। तो यहाँ पे जो था हमने सब एक साथ एक्टिवेट कर लिया, और अभी सुन के देखिए गाना का टोन कैसे आया है, खास तौर पर तबले का, बास गिटार का और जो ऑक्टोपैड चल रहा है, सुन के देखिए एक बार। आप लोग चाहे तो इसका पीछे पीछे आप गुनगुना भी कर सकते हो, इस गाने को गा भी सकते हो, लेकिन वो तो बात की बात है, पहले पूरा जो टोन जो बना है इसको टोन को पहले सुन लीजिए और थोड़ा सा आइडिया कर लीजिए, ठीक है, सुनते रहिए। तो यही था कुछ टिप्स जो आपके लिए हमने उन्हें लेके आए थे, शायद आपको पता लग गया कि किस तरह से आपको बैलेंसिंग करना है, किस हद तक आपको ऑक्टोपैड का लेवल होना चाहिए और किस हद तक तबले का लेवल होना चाहिए। तबले की जगह में अगर ढोलक भी हो, जो भी रिदम इंस्ट्रूमेंट हो, उसको आप किस तरह से बैलेंस करेंगे। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा कम है, ऑक्टोपैड थोड़ा कम है, और बढ़ा भी सकते हो, लेकिन टेक्निक जो है, टेक्निक यही है कि हमेशा वोकल के नीचे बिल्कुल आजू बाजू में रहेगा, ऐसा नहीं कि बहुत दूर रहेगा तबला या रिदम सेक्शन। और उसके साथ साथ, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, उसमें पांच आता है वोकल के साथ, रिदम अगर तगड़ा बजेगा तो उसमें पांच आएगा, और रिदम को पांच जो तभी आएगा जब उसमें उसका इक्यूज वगैरह ठीक ठाक होगा, और उसके साथ साथ रिदम गिटार और बास गिटार दोनों एक साथ पांच में बजेंगे। रिदम का जो पकड़ है उस पकड़ को और भी एनहेंस करता है बास गिटार। सो बास गिटार को कभी नेगलेक्ट मत कीजिएगा, रिदम के साथ बास गिटार को लेवल ठीक ठाक से कीजिए,
ताकि आपका आउटपुट बाहर बहुत अच्छे से आए। चलिए दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिए। और इस टाइम में तो बहुत प्रॉब्लम चल रहा है पूरा दुनिया में, आपको पता है कोरोना वायरस बहुत फैल गया है हमारा इंडिया में भी। तो आप लोग सब लोग सेफ रहिए, बाहर मत निकलिए, घर से बाहर मत निकलिए, घर में प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, तब तक के लिए नमस्ते। आप सभी लोगों से हमारा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, समाचारों की तरफ से उन लोगों का कोई कमेंट्स का आंसर दिया नहीं जाएगा। हम लोग जानते हैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग के बारे में बहुत कुछ पूछताछ करना है, बहुत कुछ जानना है, किसी के पास कुछ तरीके हैं तो वो शेयर करना चाहते हैं, तो ये सब आप लोग कमेंट बॉक्स के जरिए करते हैं। तो जब तक आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारा समत ऑडियो से कोई रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा। ऐसे ही हमको बहुत सारे आप लोगों का प्यार मिलता है, रेगुलर्स आप लोगों का कमेंट्स मिलते हैं, आप लोगों का कमेंट से हम लोग इंस्पायर होते हैं। तो फिर भी हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देन आप लोग कमेंट्स कीजिए ताकि आपका कमेंट्स का रिप्लाई दिया जाए। और कोई भी प्रॉब्लम हो रिकॉर्डिंग के बारे में तो हमसे बताएं, हम कोशिश करेंगे आपका जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने का। लेकिन उससे पहले आपको ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब योर चैनल, जितना हो सके आप हमारा वीडियोस को शेयर करते रहिए ताकि आगे के लिए और कोई अच्छा वीडियो बनाने के लिए हम लोगों को इंस्पिरेशन मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगला वीक में, नमस्कार। Smoking on cooking the hot pot. I keep fucking on your bitch, yeah, that's